विशेष तरीके से पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं और इन्हीं के बीच में जैन धर्म की 24 है यानी 24 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं हैं और ये 24 के दर्शन हम आपको करा जैन 24 के। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। वीरभूमि महोबा में हम हैं। आला उदल के इतिहास के लाने जब भूमि जानी जात है और इतने बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के पीछे एक ऐसा स्थल है जो आम तौर पर शायद इतने आबे वाले ज़्यादातर लोग नहीं देख पाए होंगे। सो हम आपको दिखा रहे हैं एक पहाड़ पर विशुद्ध बुंदेलखंड की जो पथरीली ज़मीन है या पत्थरों को इलाका है वो ज़मीन को वो इलाके को प्रतिबिंबित करत। भाई देखो आप जब खूबसूरत पहाड़ी बड़े विशेष तरीके से पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं और इन्हीं के बीच में जैन धर्म की 24 है यानी 24 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं हैं और ये 24 के दर्शन हम आपको करावे के लाने सीधे चल रहे हैं ऊपर और आपको कराएं दर्शन जैन 24 के। तो भैया अब उन सीढ़ियों पे चढ़ के अब ये भव्य और दिव्य जगह के आपको दर्शन करावे के लाने हम पहुंच रहे हैं और ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं हैं, ऐसो अद्भुत दृश्य है जो आपने शायद पहले बुंदेलखंड के इन इलाके में शायद ही कहूँ देखे होंगे। तो भैया अब देखो आप बड़ी चट्टान के नीचे पत्थर कि जब गुफा नुमा है और इतने देखो इतने जब आप देखो तो आपको दिखाई दें जैन प्रतिमाएं पहाड़ के अंदर और पहाड़ के अंदर जैन प्रतिमाएं हैं, छोटी बड़ी सारी जैन प्रतिमाएं हैं और 3, 4, 7, 8, 9 प्रतिमाएं ई पहाड़ में हैं। बाकी जो अन्य प्रतिमाएं जो होती हैं देवी प्रतिमाएं जो पद्मावती देवी की भी एक जा प्रतिमा समझ में आ रही है और बाकी अन्य प्रतिमाएं हैं, लगभग 9 प्रतिमाएं ई गुफा में हैं और की तरीके से पत्थर के ऊपर ही ये चट्टान के ऊपर जो है ये प्रतिमाएं उकेरी गई और इतने जो बड़ी चट्टान ऊपर है नीचे गुफा है सालों से सैकड़ों सालों से इस तरीके से इतनी मजबूती के संग ये प्रतिमाएँ हैं और भी कछु गुफाएं हैं और कुल मिलाकर जब 24 तीर्थंकर की जब मूर्ति होती तो कुल 24 प्रतिमाएं होती हैं। तो कछु और गुफाओं में भी ये प्रतिमाएं हैं वे भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे पत्थर ही पत्थर की ये पूरी चट्टानें और इन्हीं के ऊपर देखो जे आप देखो जरा जो दृश्य कैसी अद्भुत जो है दृश्य है। बड़ी प्रतिमा भगवान आदिनाथ की कह के जो उनको चिन्ह है बैल जो बने हैं नीचे और ये प्रतिमाएं अलग अलग जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाएं सो कछु नीचे और कछु ऊपर दो गुफाओं में ये प्रतिमाएं हैं और अलग अलग ये जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं दरअसल बुंदेलखंड के वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती हैं। जो बताऊ थे कि बुंदेलखंड में जो हिंदू धर्म है हिंदू धर्म के संगे ही संगे बौद्ध धर्म जैन धर्म को भी अच्छो खासो प्रभाव रहो और इतने के जो राजा रहे उनने भी हिंदू धर्म जैन धर्म को जो है पूरी तरीके से उनको पालन करे कई राजाओं ने और उनने एक से एक बढ़ के अद्भुत प्रतिमाएँ बनाई हैं। और जरा एक और देखो आप चट्टान पे की तरीके इतनी ऊंची चट्टान पे भी जो है जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा है वा उकेरी गई है और सालों से एक दो साल से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से जे चट्टानें ज्यों की त्यों उन पे जो प्रतिमाएं हैं वे भी स्पष्ट तौर पे दिखाई देती हैं और जो ही बुंदेलखंड को जो गौरवशाली इतिहास है जो ही बुंदेलखंड की जो विशाल परम्परा है धर्म को संगे लेवे की ऊ को भी दर्शन कराऊ थे और ऐसी दिव्य जगह ऐसी भव्य जगह को आज दर्शन हमने आपको कराओ बुंदेली बौछार पे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी महोबा से।
श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।